पानी सीधा सीधा क्या यार जनी बोल नहीं नजर आ रहे थे ना यार मेरे भी कैमरे की जगह रखना सही है। हम वैसे भी एक दूसरे के पानी खोल के नहीं कर दे भाई मोबाइल एक मिनट वेट करिएगा सब होल्ड रखें यहाँ पे
आज ये हमने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट साफ पानी पीने के लिए जो आवाम को एक सहूलत दी है, इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ पेप्सिको का, मोजेस फाउंडेशन का और वाटर एड वालों का कि इन्होंने हमारी कम्युनिटी के साथ मिलके ये एक खैर का काम किया है। कार खैर है, सदका जारी है और साफ पानी पिलाना इस हालात में ये वाकई सदका है, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सी डी ए ने कुछ ऐसा पहले बनाया था, मेरी अली वान साहब से इस मामले में गुजारिश होगी कि ये जितनी चीज़ें हैं ये लोकल गवर्नमेंट्स का जो निज़ाम है उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। हमने इधर एक डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, उसकी एफिशिएंसी तभी होगी कि जब उसकी मैनेजमेंट भी डिसेंट्रलाइज हो। तो इस तरह की चीज़ें जो एक सेंट्रलाइज तरीके से चल रही होती हैं उनका एफिशिएंसी बाय द टाइम गवर्नमेंट की भी ये कोशिश है, खान साहब का विजन है कि लोकल गवर्नमेंट को इम्प्रूव करके और डिसेंट्रलाइज स्टेप है इंशाल्लाह। और इसमें जितनी भी टीम मेरे साथ रही, हमारी कमेटी है वाटर कमेटी और इसमें ये कुछ एनजीओस के साथ मिलके, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी ने बड़ा हेल्प किया है। आप मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ पेप्सिको का और मोजेस फाउंडेशन का और वाटर एड का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और ये तमाम लोग उनकी वजह से आज का ये इवेंट हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकें, आप सबका बहुत शुक्रिया। ऐसी ही एक कोशिश जो हम यहाँ से एथुल में कर रहे हैं पेप्सिको वाटर एड के तआवुन से, यही कोशिश हम हुमा पीयूसी में भी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा बड़ा मकसद है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक हम सबकी रसाई हो, हम उसको कुछ अचीव करने में और कम अज़ कम ये दिखाने में कि साफ पानी तक रसाई कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए, थोड़ी बहुत हमने उसमें कोशिश की है। तो एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। फोकस के अंदर रखें और यहाँ पे जो हमने रैंप बनाई है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वो इंक्लूसिव हो हर किस्म के लोगों के लिए, चाहे वो खवातीन है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ऐसे लोग हैं जिन साथ ही हम सो ग्रेटफुल के लिए इसको सपोर्ट किया है फाइनेंशियली एंड टेक्निकली पेप्सिको फाउंडेशन। मुख्तलिफ दुनिया है और रोड से इस तरफ दूसरी दुनिया है। रोड से इस तरफ जब आप आ जाएं तो बेसिक फैसिलिटीज़ का एक आपको रियल एक फुकदान नज़र आता है, चाहे वो सैनिटेशन हो चाहे वो वाटर हो। पानी अवेलेबल है लेकिन सेफ नहीं है। पाकिस्तान में ओवरऑल 70% प्लस पानी सेफ नहीं है और वाटर एड की इस वक्त यही कोशिश है कि जिन लोगों के पास पानी नहीं है मौजूद उनको पानी पहुंचाने की कोशिश की जाए और जिन जो लोग अनसेफ पानी पी रहे हैं उनको सेफ पानी पहुंचाने की कोशिश की जाए। साथ ही हम चूँकि सेफ पानी पहुंचाने से भी आपके सेहत के मसले नहीं हल होते, आपकी हाइजीन को इतनी इम्पोर्टेंस है जितने आपके सेफ पानी को इम्पोर्टेंस है और सैनिटेशन उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जब तक ये तीन चीज़ें इकट्ठी नहीं चलती, हम जो पाकिस्तान में हर साल तकरीबन कोई 55,000 बच्चे फोत हो जाते हैं 5 साल की उम्र से पहले, हम उनको नहीं बचा सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अहम ज़रूरत है कि साफ पानी भी हो, सैनिटेशन भी ठीक हो और उसके साथ प्रॉपर हाइजीन की प्रैक्टिसेस भी हों। तो हम इस वक्त आज से कोई 15 साल पहले इस गाँव को एक मॉडल गाँव बनाया गया था, लेकिन मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अगले 2-3 माह में जब इधर वाटर सैनिटेशन और हाइजीन की सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं तब ये एक प्रॉपर कम्युनिटी बेस्ड सेफ एंड मॉडल विलेज बन सकेगा वाटर सैनिटेशन के हवाले से। आज ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इधर बन चुका है,
लेकिन इसको सस्टेन करना एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है। हजारों इस किस्म के प्लांट्स बन चुके हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जगह में, इवन इस्लामाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स इस किस्म के बन चुके हैं, लेकिन उसकी एक बड़ी प्रोपोर्शन डिसफंक्शनल है। और उस डिसफंक्शनैलिटी की एक रीज़न इदारे का मसला है कि इदारे उसको सही तरीके से नहीं देखते। दूसरा मसला उसका ये होता है कि हमारे लोग उसमें शमूलियत नहीं अख्तियार करते। तो यहाँ पर तकरीबन तीनों पार्टीज इकट्ठी आ चुकी हैं, इदारे आ चुके हैं जिन्होंने इसको फंड किया है, ऐसी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मौजूद है जो इसको प्रॉपर सस्टेन करना चाहती है, और सीडीए यहाँ पे प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है कि वो सीडीए इसको अभी प्रॉपरली मैनेज करेगा और इसको सस्टेन करेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीदें ये हैं कि इस पानी के साफ पानी के फैसिलिटी को मिलने के बाद सैदपुर में बच्चों की अमवात भी कम होंगी, लोगों की सेहत भी बेहतर होगी और लोग अपने रोज़गार पर ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। क्यानी साहब सारी बातें तो कर चुके हैं, बट एक तो ये है कि वर्ल्ड वाटर डे सारों को मुबारक हो, और इसका मेन मकसद यही था आज का कि हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें अच्छी तरह। जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है मेरा ख्याल है कि जो मॉडल है जो इन्होंने कम्युनिटी का, लोकल गवर्नमेंट का एंड अदरवाइज फंडिंग का जो एक मॉडल खड़ा किया है, इसको जितना रेप्लिकेट किया जाए एज अ पॉलिसी, अगर इस चीज़ को लेट्स से अपलिफ्ट किया जाए और बताया जाए कि जी ये सही मॉडल है जिसके बिना के ऊपर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर काम हो सकता है, जो कि विजन भी है इस गवर्नमेंट की कि जी यूनियन काउंसिल्स को और लोकल गवर्नमेंट को हमने बड़ा करना है, डेवलपमेंट काम करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है, और अगर आप नोटिस करें इसकी लोकेशन तो सामने स्कूल भी है जिसकी सप्लाई जो है सारी यहाँ से हो रही होगी, जो कि एक डबल इसका बेनिफिट इसके अंदर आएगा। पेप्सिको के एंगल से अगर मैं बात करूं तो जी ये दिस इज़ वन ऑफ आर प्रोजेक्ट्स जो कि पानी के रसाई के ऊपर हमारा चल रहा है, हमने लाहौर में भी कुछ और एरियाज में भी एंड नेशनली हम इसको लेके जा रहे हैं डिफरेंट इस मॉडल क्रिएशन को, और हमारी ख्वाहिश है कि हम एक अच्छे बड़े स्टेक होल्डर बने इस डिबेट के अंदर और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स डिफरेंट जगहों के ऊपर ला सकें। आई थिंक एंड में मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी कि इसमें सबसे बड़ा काम जो सदीक साहब ने भी बात की मेंटेनेंस का है, और उसमें रोल ज़रूर सर आएगा सीडीए का भी, और उसको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं इसके अंदर। सो दैट विल माय रिक्वेस्ट दैट यू नो वी कंटिन्यू, उसको हम जितना टाइट करेंगे जितना अच्छा करेंगे कम्युनिटीज एम्पावर फील करेंगी उसके अंदर। सो गुड लक टू एवरीबडी, थैंक यू सो मच, आपने इज्जत अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वाटर डे के हवाले से एक प्रोग्राम रखा गया, एक फिल्ट्रेशन प्लांट की इनॉग्रेशन है। इस्लामाबाद अभी थोड़े फिगर्स कोट किए गए, इस्लामाबाद को बने 70 साल हो गए, और इस्लामाबाद पाकिस्तान के उन शहरों में से है जिसकी माइग्रेशन का अगर आप देखा जाए तो थर्ड या फोर्थ नंबर पे आ रही है, और इसकी जो मल्टीप्लाई हो रही है ग्रोथ के, आप इसका लास्ट सेंसिस में देखेंगे फिगर्स और इस सेंसिस में फिगर्स देखेंगे तो वो डबल डिजिट में आप इसकी माइग्रेशन के नंबर्स को काउंट करेंगे। पानी और हवा के बगैर ज़िंदगी नहीं है, बिल्कुल हो भी नहीं सकती है। तो पानी जब इस शहर को प्लान किया गया, इस शहर की जो कैलकुलेशन की गई उस हिसाब से जो पानी था वो आज से 30 साल पहले समझें नापैद हो गया होगा। इस्लामाबाद के इवन सेक्टोरल एरियाज में देही आबादियों में पानी अवेलेबल, मैं अभी सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं कर रहा, एक्सेस टू वाटर की बात कर रहा हूँ, अवेलेबल नहीं है। 200-206 एमजीडी पानी चाहिए, और जो इस वक्त पानी फरहम किया जा रहा है वो अराउंड 56 एमजीडी है, जिसमें दो डैम्स हैं, हम लोग अराउंड पानी ले रहे हैं खानपुर से 9 से 10 एमजीडी, हम 24 एक एमजीडी हम ले रहे हैं सिमली डैम से, कोई 191 हमारे पास क्यूवेल्स हैं जिसको वो कहते हैं, कोई डिस्चार्ज लेवल उनके पास प्रॉपर है नहीं है कि हम उसे भी 10 से 15 एमजीडी ले लेते हैं, तो 60 एक एमजीडी दे रहे हैं, 22 लाख की आबादी है। और नेक्स्ट फ्यूचर में इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा मसला होगा वो पानी का होगा। तो इस गवर्नमेंट ने जैसे भी बताया भी जा रहा था कि बड़ा हमने फोकस किया हुआ है, पाकिस्तानबाद फेडरल एरिया है, इसके अंदर जो पानी अवेलेबल होगा वो एवा वार्ड के थ्रू अवेलेबल होगा कि चारों सूबे जब तक एग्री नहीं करेंगे इंडस से इस्लामाबाद पानी नहीं आ सकता। तो एक जब अपोजिशन में थे असद उमर साहब तो उन्होंने सिंध से इसका एग्रीमेंट कराया था, बाकी 3 सूबे मान गए थे,
अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कंसल्टेंसी से आगे वाले फेज में जा रहे हैं, जो 100 एमजीडी सेफ ड्रिंकिंग वाटर गाजी बरोता से इस्लामाबाद और 100 एमजीडी वाटर फॉर रावलपिंडी, उसके ऊपर 150 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, हम स्टार्ट हो गए। व्हाट आई वांट देखें, दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, पर जिस तरह आपने इसके आगे वो लगाई हुई है ना ये लोहे की जार, मुझे तो लग रहा है जैसे कोई डीजल चीजल निकलता, वो उस वाला डीजल ना समझ लीजिएगा, मैं सही वाला डीजल कह रहा हूँ। तो इसको ओपन करें, लोगों को एक्सेस दें, इसका पानी है जो मर्जी आके ले, और इसको बिल्कुल डिवॉल्व भी किया जाएगा। पर कहने का ये मतलब है, अगर पेप्सी इन्वॉल्व है इसके अंदर, वाटर एड वाले इन्वॉल्व हैं, वो एनजीओ यू टॉकिंग अबाउट मोजेस, तो वी मस्ट गो फॉर द एसटीपी प्लांट, ये है फ्यूचर। आप देखें कि हमारा जो रावल डैम है, मोर एंड एनफ उसकी जो कंटेमिनेशन लेवल है, परेशान हो गए जाके देखे, क्योंकि सारे कैचमेंट एरिया के अंदर उधर आबादी हो गई हुई, आबादी अब खत्म नहीं कर सकते। द नेक्स्ट सोल्यूशन जिसके ऊपर ब्लैन करना चाहिए हमें, पेप्सी इज अ बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बाकी आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपने मेजर प्रोडक्शन मेजर, क्योंकि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो, कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट करने हैं जिससे पता चल सके कि पेप्सी भी या बाकी कॉर्पोरेट इदारे भी एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान। तो व्हाट आई वांट कि जैसे अभी हमने बनिगाला के अंदर 2 STP प्लांट बड़े वाले लगा रहे हैं, जो पानी की जा रहा है रावलपिंडी की तरफ, और अनकरीब इंशाल्लाह ताला आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट 2 MGD वाटर फॉर इस्लामाबाद एज वेल फ्रॉम रावल डैम। तो गो फॉर द सोल्यूशन एंड द बिग सोल्यूशन, एंड द बिग सोल्यूशन इज STPs। तो आप लोग वाटर एड के साथ मिलके हमारी जहां आपको जरूरत है आप काम करें। एक बड़ा अच्छा हमने वाटर एड के साथ मिलके यहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया हुआ है, पर आई वांट अ बिग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड, यू आर अ बिग एनजीओस, यू आर आई एनजीओस समवेयर, और बिग कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे आना है, तो आई फील लाइक आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में आना पड़ेगा। आप ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, पाकिस्तान में 84% लोगों के पास एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हमारी कच्ची बस्तियां स्लम्स हैं 23%, वो सारी जो हमारी पुरानी स्ट्रीम्स थी वो अब गंदे नाले बन चुके हैं। हमें सबने इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है और मिलके ढूंढ रहे हैं, हर तरह की हमें स्पेशल इसके अंदर इनिशिएटिव्स चाहिए होंगे, स्पेशलिस्ट लोग दरकार होंगे, हम एक अम्ब्रेला के उनके नीचे लेके आएंगे, और हमें ओवरऑल एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी है, आप पे भी, सब पे मिल के इस्लामाबाद को कोई इस तरह की ट्रीटमेंट प्लांट दें कि आइंदा 10-15-20 साल बाद कुछ लोग आए तो वाकई कि इस्लामाबाद के लिए कुछ हुआ हुआ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, मीडिया के दोस्तों का, सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ छोड़ देना,